Remember to drink water and get some sun. Basically, humans are like plant, just with complicated feelings. Let's get started. अगर सिंपल वे में बोलूं, तो अभी तक ये प्रूफ नहीं किया गया है कि प्लांट कैन फील पेन और नॉट, लेकिन हाँ ये ज़रूर प्रूफ किया गया कि येस प्लांट कैन फील सेंसेशंस। बहुत सारे स्टडीज़ में ये शो हुआ है कि प्लांट फील कर सकते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा टच ही क्यों ना हो, और जो आसपास के वाइब्रेशंस होते हैं वो चीज़ें भी फील करते हैं। इन 1962 डॉक्टर टीसी सिंह, हेड ऑफ बॉटनी डिपार्टमेंट इन इंडिया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा विद द म्यूजिक कि प्लांट कैन फील दैट म्यूजिक और द वाइब्रेशंस और नॉट। तो ही टुक बल्सम प्लांट, उन्होंने बल्सम प्लांट लिया इस एक्सपेरिमेंट के लिए, और उन्होंने फील किया कि उसकी रेट, ग्रोथ रेट 20% इंक्रीज होती है, और बायोमास में 72% इंक्रीजमेंट आती है जब प्लांट म्यूजिक के कॉन्टैक्ट में आता है। और ऐसे ही फिर धीरे धीरे और बहुत साइंटिस्टों ने प्रूफ किया, और ये प्रूफ हुआ कि यस प्लांट कैन फील द म्यूजिक और द वाइब्रेशंस अराउंड इट। इफ समथिंग हर्ट्स ह्यूमन वी रिएक्ट्स। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं ह्यूमंस के अकॉर्डिंग कि हाउ ह्यूमन हियर और ह्यूमन की सिस्टम कैसे वर्क करते हैं जो कि प्लांट के नहीं कर सकते। तो अगर हमें कुछ चीज़ परेशान करती है या हमें कुछ इरिटेट करता है, हम उस चीज़ पर रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन प्लांट नहीं कर सकते। उनके पास वो एबिलिटी नहीं होती है, ना ही उनके पास नर्वस सिस्टम होता है, और ना ही ब्रेन, और ना ही कोई और बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जिससे वो पेन या कुछ भी फील कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि यस प्लांट्स म्यूजिक पे कैसे रिएक्ट करते हैं। वो सुन नहीं सकते, वो फील भी नहीं कर सकते, तो वो रिएक्ट कैसे करते हैं। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम ह्यूमंस की एग्जांपल लेते हैं कि ह्यूमंस कैसे सुनते हैं और वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी उनको आवाज़ें कैसे सुनाई देती है। तो यू नो और इवन वी नो दैट साउंड इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव, और वो ट्रैवल करता है थ्रू अ मीडियम, चाहे वो एयर हो या वाटर हो, कोई भी मीडियम हो, तो वो एक उसके थ्रू ट्रैवल करता है। द वेव कॉज द पार्टिकल इन द मीडियम टू वाइब्रेट। तो फिर क्या होता है, व्हेन वी स्विच आवर रेडियो और टीवी, और हम जो सुनना चाहते हैं म्यूजिक, हम जब उसकी स्विच ऑन करते हैं तो उसके अंदर से जो साउंड निकलती है वो हमारे आसपास एक वाइब्रेशंस क्रिएट करती है। हमारे एयर जो हमारे सराउंडिंग होती है, हमारे एयर्स में वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है, जो वाइब्रेशन हमारे ईयर ड्रम्स पे इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें कुछ फील होता है जिसे हम म्यूज़िक कहते हैं। फिर इसमें क्या होता है, जो प्रेशर एनर्जी होती है दैट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमारे ब्रेन तक जाती है। सो दिस इज़ हाउ ह्यूमन हियर्स, यही तरीका है जिससे ह्यूमन को सुनाई देता है। इसी तरीके से इन सिमिलर मैनर जो हमारे प्लांट होते हैं उसके आसपास भी वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, जो कि प्लांट के द्वारा महसूस किया जाता है। वो सुन नहीं सकते म्यूजिक, दे कैन ओनली फील द वेव्स और द वाइब्रेशन अराउंड द प्लांट्स। वो इस चीज़ को सिर्फ फील कर सकते हैं। तो इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट यस प्लांट कांट हियर, दे डोंट हैव एनी सेंस ऑर्गन्स, बट यस दे कैन फील।